हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में आज ना युवा संगठन में। और आज के इस वीडियो में एक ऐसी शख्स की कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे गीता बेन रबारी, यानी गीता रबारी की। वो एक महान सिंगर है और आज के टाइम में गुजरात की टॉप सिंगरों में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको बचपन कैसे बिता? क्या वो डायरेक्टली आ गई? क्या उनके माता पिता उनको सहयोग किया, सपोर्ट किया, या फिर वो कैसे इस मुकाम पर पहुंची? क्योंकि आज वो किसी भी अगर सेट पे आप उनको बुलाते हैं तो वो एक रात की कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लेती है। और उनके निजी जीवन के बारे में आज जानेंगे। और आप अगर वीडियो पसंद आता है तो पहले एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आज लाइक का टारगेट रखता है 500। पहली बार मैंने लाइक जो आपको एक टारगेट दिया है कि 500 लाइक वीडियो पे होने चाहिए, तो आशा करता हूँ कि 500 लाइक आप पूरे कर दोगे। और वीडियो पसंद आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए निजी जीवन कैसे बीता गीता बेन रबारी का। आइए शुरू करते हैं। गीता रबारी का जन्म की बात करें तो उनका जन्म महीने के साल के अंतिम दिनों में हुआ था, 31 दिसंबर 1996। और आज के टाइम में वो 22 साल की हो चुकी है। 2018 तक की बात करें यानी 23 साल के अभी तक चल रही है। उनका जन्म गुजरात के कच्छ जिले में हुआ था। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। और आप जानते होंगे कि उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद में अपना पूरा ध्यान अभी सिंगर पर लगाया है। उसने जैनवी स्कूल जामनगर में पढ़ाई की थी। गीता ने जब गाना शुरू किया था वो मात्र 5 साल की थी। आप सोच सकते हैं कि 5 साल की उम्र में जब उन्होंने स्कूल में गाना शुरू किया था, तब आसपास के ग्रामीणों ने उसके गाने की आवाज़ सुनने के लिए वो जहाँ भी प्रोग्राम होता था उनको बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत मधुर लगी। और गुजरात में उसको कच्ची कोयल भी कहा जाता है। प्रारंभ में उन्होंने भजन गाया, लोकगीत गाया, संत वाणी और दिगरा गाकर थोड़ा पैसा बचपन में उन्होंने कमा लिया। और 20 साल की उम्र तक पहुँचते उन्होंने खुद को गुजरात के एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में साबित कर दिया। गीता ने अपने गायन की शुरुआत गुजराती गीन रूणा शेरमा से शुरुआत किया था। आपको पता ही होगा कि रूणा शेरमा सॉन्ग सबसे हिट हुआ था और यूट्यूब पे अभी 4 से 5 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। और ये लगातार अभी तक चल रहा है, जो कि पहला गीत था गीता बेन के रबारी ने जो गाया था। और इसी सॉन्ग की वजह से वो सुर्खियों में आई थी और अपना जो ज़िंदगी का पड़ाव उन्होंने शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने गीत गाया गीतो रबारी, और ये दोनों गीत दर्शकों को काफ़ी पसंद किया गया और वो उनको सहाने लगे। गीता रबारी एक गुजराती हिंदू परिवार से हैं। उनके माता पिता इस समय उनके घर में रहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके 2 भाई थे जिनकी अकाल काल में मृत्यु हो गई थी। और गीता बेन के पास अभी ऐसा माना जा रहा है कि टोयोटो इनोवा कार है, और वो एक शौकीन पशु प्रेमी हैं। वो पशुओं से बहुत प्यार करती है और उनको जानवरों से बहुत प्यार है। उनकी बात करें तो उनको क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में इतना लोकप्रिय होने के बावजूद गीता बहन गीता रबारी अपने परिवार माता पिता के साथ अपने गांव टॉपर में रहती है, क्योंकि उनका इतना बड़े प्रसिद्ध होने के बाद भी वो अपने दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हुई और वो अपने पुराने घर में ही अपने माता पिता के साथ में अभी भी रहती है। और थोड़ी नॉइज़ को आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरे आजू बाजू में बारिश ज़्यादा हो रही है, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा नॉइस बारिश की आ सकती है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। गीता रबारी ने बताया कि तब से वो गा रही थी जब स्कूल में थी। मेरी अच्छी आवाज़ के कारण आसपास के गांव मुझे गाने के लिए आमंत्रित करते थे। प्रारंभ में शुरुआत में तो मुझे कुछ वित्तीय सहायता मिली, लेकिन धीरे धीरे मेरी पहचान बढ़ती गई। आज हमारा गुजरात के जाने माने कलाकारों के साथ एक लाइव प्रोग्राम करती हूँ। गीता रबारी कहती है कि मेरी माँ मेरी परिचित में सबसे ज़्यादा खुश है। मेरे 2 भाई थे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, मेरी मेहनत रंग लाई। सिर्फ कच्छ नहीं बल्कि पूरे गुजरात में मेरा नाम है। मैंने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन अब अपना सारा ध्यान गायकी पर देती हूँ। और आपको एक बात बता दूँ कि जब गीता बेन रबारी स्कूल में गाया जाया करती थी प्रोग्राम में, तो उनके पिताजी उनके साथ जाया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे। और अभी उनका माना जा रहा है उन्होंने शादी कर ली है, उनके पति के साथ में वो अपने पर्सनल लाइफ में खुश है और उनके पति भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। वो कहीं भी अगर विदेश में भी प्रोग्राम में जाती है तो उनके पति उनके साथ में जाते हैं और हमेशा उनके साथ में रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो
700 लाइक का जो टारगेट रखा है उसे पूरा कर दीजिए। और गीता रबारी के लिए दो लाइन जरूर लिखें। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।